व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल। एंड गाइज, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, क्योंकि कल मैंने इस फोटो को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया था तो आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आया कि अमित भाई इतना हार्ड फोटो तुम कैसे बनाते हो। तो गाइज यार, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जस्ट ऐसा फोटो एडिट करना। उसके साथ ही गाइज मैं आपको 100% रियल ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोग इस वाले वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको गारंटी के साथ सेम ऐसा ही फोटो एडिट करना आ जाएगा, जो कि आप लोग जब ऐसा फोटो एडिट हैं, तो आपका फोटो बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड अगर बना लेते हैं तो आपसे फेस नहीं बनता। अगर आप लोग फेस एडिटिंग कर लेते हैं तो आप लोग उसे बैकग्राउंड परफेक्ट एडिट नहीं हो पाता है, जिसके चलते आपका फोटो जो होता है उतना परफेक्ट नहीं लगता है। लेकिन आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज, जैसा मैं अपना एडिट किया हूं, बैकग्राउंड देख लीजिए, फेस देख लीजिए, उसके बाद सॉल्ट वगैरह, टैटू मैं कैसे लगाया, हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, वो भी रियल ट्रिक के साथ, जो कि आप लोग तो जानते हैं कि यूट्यूब पर काफी लोग वीडियो बनाते हैं, बट गाइस सभी लोग क्या करते हैं कि आपको सच्चाई कोई नहीं बताते। लेकिन आज आपका भाई आप लोगों को पूरा सच्चाई बताएगा। बस आप लोग इस वाले वीडियो को विश्वास करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। अगर आपको ऐसा एडिटिंग करना नहीं आएगा तो आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि गाइस आप लोग तो जानते हैं कि मैं जितना भी सब कुछ बताता हूं सब सच्चाई बताता हूं, ठीक है। एक भी तरीका मैं आप लोगों को फेक नहीं बताता हूं। जो कि सबसे पहले आप लोग मेरा फोटो देख लीजिए, मेरा पहले का फोटो कितना बेकार था, लेकिन गाइस इसी फोटो को मैं जब एडिट किया हूं तो कितना हार्ड हुआ है। उसके साथ आप लोग एक के भाई का भी फोटो देख सकते हैं कितना हार्ड फोटो लग रहा है इस वाले बैकग्राउंड में। तो आपको सिंपली बताऊंगा कैसे इसका बैकग्राउंड एडिट होता है। और गाइस एक और चीज आप लोग नीचे से ध्यान से देखिए, नीचे किस तरह रेड इफेक्ट में दिया हूं, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जिसके चलते आपका फोटो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस इस वाले वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बवाल मचा पाएंगे। चलिए हम लोग बिना किसी बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सारा स्टेप बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना फोटो ले लेना है, जो कि आप लोग मेरा फोटो देख सकते हैं, और उसके बाद आपको शेयर वाले आइकन पे जाना है। और आपको इस पे जाने के बाद क्या करना है, अपने फोटो को डायरेक्ट ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और हमेशा एक और कमेंट आता है कि भाई बिना प्रीसेट का फोटो कैसे बनता है, क्योंकि जो प्रीसेट होता है वो सभी के फोटो पे काम नहीं करता है, किसी के फोटो पे काम करता है, किसी के फोटो पे काम नहीं करता है, जो कि उसके चलते आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, बिना प्रीसेट का आप लोग को सिखाऊंगा पूरा हार्ड से भी एडिटिंग करना। तो सबसे पहले आपको आना है ट्यून इमेज पे, और इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिचुएशन को हाई करना है। उसके बाद आप लोग को एम्बियंस को भी इतना हाई करने के, इतना सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली शेयर वाले आइकन पे जाना है और आपको अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। देखिए गाइज, आपको सारा कुछ सच्चाई बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो कभी भी स्किप मत करिएगा। आप लोग आराम से क्या करेगा, मोबाइल को साइड में रख दीजिएगा और बस वीडियो को देखते रहिएगा, सारा स्टेप सीखते रहिएगा। तो देखिए, फिर मैं आता हूँ ऑल फोटो पे, और इस पे आने के बाद आप लोग यहाँ मेरा फोटो देख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो जो मैं सेटिंग करूंगा वो सेटिंग आपको भी करना है। सबसे पहले आपको लाइट पे आना है और आपको एक्सपोजर को 0-1-0 करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को इतना लो करना है, फिर आप लोग को हाईलाइट को पूरा लो कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना फोटो बनाते हैं ना बिना प्रीसेट का, उसमें हाईलाइट को पूरा आप लोग माइनस करके रखिएगा, फिर सेटों को पूरा हाई करके रखिएगा, और वाइट को इतना लो एंड ब्लैक को भी इतना लो, देखिए आप लोग इतना काम कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आना है कलर पे, उसके बाद आपको मिक्स पे जाना है, और क्या करना है, दो नंबर पे जाकर आपको इस तरीके फेस को आपको वाइट करना है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड फेस आपका वाइट हो रहा है, इस प्रकार से आपको वाइट कर देना। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी तरीके से हाई कर सकते हैं। देखिए जो आपका सॉल्ट है कितना हार्ड हो रहा है, देखिए गाइस, या सॉल्ट का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसी कलर को रखूंगा। उसके बाद आपको आना है इस वाले कलर पे, इसको पूरा माइनस, इसको हाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको इस पे आकर इसको भी लो करना है। देखिए आप लोगों को इतना सेटिंग कर देना, चलिए मैं पूरा फुल करता हूँ। इतना सेटिंग के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आना है इफेक्ट पे, और आप लोगों को क्लैरिटी को यहाँ से इतना हाई करना है। फिर आप लोग को डिटेल पे जाकर शार्पनिंग को हाई करेंगे, इसको लो करेंगे। उसके बाद इन दोनों को भी आप लोग को हाई कर देना, देखिए आप लोग इतना सेटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए बवाल गाइज, आपका जो फोटो होगा पूरा ज़्यादा ही HD हो जाएगा। देखिए बिना रेमनी का कितना हार्ड HD हो चुका है। तो गाइज इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को डायरेक्ट ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और गाइज आप लोग तो जानते हैं कि इतना आराम से आप लोग को कोई भी बंदा नहीं समझाता होगा, लेकिन आपका भाई आप लोग को आराम आराम से समझा रहा है। उसके बाद आपको टूल्स पे आना है, फिर आपको सिलेक्टिव पे जाना है, और क्या कीजिएगा,
जहां पे भी आपको अंधेरा पार्ट दिखाई दे वहां पे आप लोगों को देखिए इस प्रकार से लाइट को देना है, ठीक है। देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, सिचुएशन को लो कर रहा हूँ, इसको हाई करता हूँ एंड ब्राइटनेस को हाई करना है। देखिए ब्राइटनेस को हाई करके सिचुएशन को लो करना है, इससे जो आपका कलर टोन होगा फेस का वो बहुत मस्त हो जाए। देखिए ब्राइटनेस को हाई करूंगा, सिचुएशन को लो करूंगा, ऐसे ही आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। जहां पे आपको लाइट कम लगे वहां पे आपको यही काम करना है। देखिए कितना मस्त है, यही सब गलतियां आप लोग करते हैं, इसी वाले ट्रिक्स आपको नहीं देखते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को भगा भगा के देखते हैं। तो गाइस ये गलती आप लोग मत करिएगा। उसके बाद आपको डिटेल पे आना है और शार्पनिंग को पूरा हाइक कर देना, इससे क्या होता है ना आपका जो फोटो होता है पूरा HD हो जाएगा। तो गाइस इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा फेस स्मूथ करने का, आप लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रश पे आ जाना, और गाइस ब्रश पे आने के बाद आपको सिंपली इसी वाले ब्रश को लेकर सेटिंग को देखिए सेम इतना रखना। उसके बाद आपको देखिए इस प्रकार से साइज को एडजस्ट करके और ऐसे ऐसे आपको ब्रश को अप्लाई करना है। देखिए गाइस आप लोग को बहुत से लोग को ब्रश अप्लाई करना नहीं आता है, बहुत लोग को लगता है कि बस ऐसे ऐसे चलाना होता है, बट गाइज उसी लिए आपका फेस खराब होता है। आपको चलाने से नहीं, आपको एक तरीका होता है हर एक चीज़ का। मान लीजिए अगर आप लोग खेता खाता नहीं बाइक चलाने लग जाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, उसके लिए भी रोड बना है। इसी प्रकार से इसको भी चलाने के लिए एक रास्ता होता है। देखिए मान लीजिए हमको गाल को स्मूथ करना है, तो मैं क्या करूँगा इस प्रकार से ऐसे ऐसे यहाँ ब्रश चलाऊंगा, फिर नाक के साइड में ऐसे ऐसे ब्रश चलाऊंगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रश को चलाऊंगा एंड गाल पे ऐसे ऐसे ब्रश को, ऐसे हम लोग को ब्रश को अप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे ब्रश चला रहा हूँ, उसके बाद देखिए मैं ऐसे ऐसे देखिए नाक के साइड से, देखिए इस प्रकार से, फिर आपको मोज के साइड से इस प्रकार से। देखिए आपको इसी वाले सब चीज़ को ध्यान रख देना होता है, ठीक है। अगर आप लोग इसी को सीख जाएंगे तो फिर आप लोग कोई भी फोटो आराम से स्मूथ कर पाएंगे, वो भी देखने में पूरा ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि आपका भाई देख रहे हैं कितना हार्ड स्मूथ कर रहा है, तो आप लोग को भी गलती नहीं करना है, बस आप लोग को वीडियो को वॉच करते रहना। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग सिंपली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, सीधे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं भाई हमको एडिटिंग सिखा दो। तो गाइस मान लीजिए मैं फ़ोन से ऐसे मैसेज से कैसे सिखा पाऊंगा, आप लोग एडिटिंग करिए, अगर आप लोग ब्रश चलाना सब कुछ आ गया फिर भी कहेंगे ब्लैक आ रहा है, तो मैं छोटा छोटा जानकारी आप लोगों को दे सकता हूँ। मान लीजिए लंबा जानकारी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग लाइव सीख सके। अगर ऐसे फ़ोन से बताने लगे तो फिर नहीं हो पाएगा, मान लीजिए एक दिन में कितने बंदों को सिखाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए आराम से समझिए मैं कब क्या करता हूँ। एंड उसके बाद कोई भी दिक्कत होता है पर्सनली फ़ोन करिए, पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज यही आप लोग गलती मत करिएगा, और जो इस वाले पार्ट को देखिए आप लोग बिल्कुल भी स्मूथ यानी कि स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं, कम से कम हमको लगता है 80% लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, जिसके चलते 80% लोग को एडिटिंग करना नहीं आता है। फिर आप लोग क्या करना है, गर्दन को देखिए आराम आराम से स्मूथ करना है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं इस तरह का जो फोटो होता है ना बहुत ज़्यादा वायरल होता है। आपका भाई जो भी फोटो एडिट करता है वो बहुत ज़्यादा पूरा ट्रेंड में चलता है, यानी कि आपका भाई तो आप लोग जानते हैं सबसे अलग एडिटिंग करता है। गाइज आपके भाई के सभी लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बट आपको भी क्या करना है, आपके भाई के जैसे सेम एडिटिंग करना है। आपको प्रयास करना है कि आप यानी कि हमसे आप लोग अच्छा एडिटिंग करें, ठीक है, तभी तो आप लोग हमसे आगे जा पाएंगे। सेम करिए, लेकिन सेम करते करते आप लोग अपना दिमाग लगाइए और मुझसे भी अच्छा बैकग्राउंड बनाइए, मुझसे भी अच्छा फेस स्मूथ करिए, और मुझसे भी अच्छा अच्छा हर एक चीज़ यूज करिए, ठीक है, कंसेप्ट वगैरह। देखिए आपको तो मैं सिखा रहा हूँ, बट आपको अपने दिमाग से चलना है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे चला जाता है, आप लोग तरीका सीखिए लेकिन अपने दिमाग से चलिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ऐसे ही हर एक चीज़ स्मूथ करना है, कितना हार्ड है देख सकते हैं, कितना हार्ड मेरा वो हाथ वगैरह हर एक चीज़ स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से स्मूथ करना है। फिर देखिए इस वाले पार्ट को मैं स्मूथ करता हूँ, देखिएगा जो मैं आपके सामने ही स्मूथ किया हूँ, कितना हार्ड फोटो स्मूथ हो चुका है। बट आप लोग क्या करते हैं कि आधा आधा घंटे तक आप लोग स्मूथ करते हैं, फिर भी फोटो आपका स्मूथ नहीं होता। देखिए इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको भी हल्का फुल्का मैं स्मूथ करता हूँ, देखिए इसको इसको, एंड उसके बाद आपको अपने ओठ पे लाली लगाना है, यानी कि ओठ लाली लगाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली आना है इस पे, और आपको दूसरा एक ब्रश लेना है, इस वाले ब्रश को आपको लेना है। कलर देखिए मेरा पहले से रेड है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है अपने ओठ पे। देखिए देखिए गाइज आपको ऐसे अपने ओठ पे अप्लाई करना है लिपस्टिक को, एंड इसको तने सा लो कर दीजिए, देखिए इतना पे, एंड इतना काम कर मर्ज ऑल करके इसको क्या करना है, आपको ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्ट वगैरह बैकग्राउंड वगैरह हर एक चीज़ एडिट करना। तो सिंपली आपको स्नैपसीड में आ जाना है, उसके बाद आपको सिलेक्टिव पे आकर अगर आप कहीं पर लगे कि आपके फेस वगैरह पर लाइट कम है, वहाँ पर इस तरह लाइट आप लोग दे सकते हैं। देखिए मैं यही काम करता हूँ, आपको देखिए फेस स्मूथ करने के बाद आपको फेस पे लाइट को देना होता है। देखिए मैं कैसे लाइट को दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग लाइट को भी दे दीजिएगा। इतना सारा काम होने के बाद
आपको क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट कहाँ पे ले चलना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए ये मेरा शायद चौथा स्टेप है, आप लोग सारा स्टेप कॉपी पे लिखते रहिएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले कौन से एप्लीकेशन में जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, हर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, तभी आप लोग एडिटर बन पाएंगे। और आप लोग समझ सकते हैं गाइस, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, मैं पर्सनली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग को बताऊंगा आप लोग इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, पैसा इंस्टाग्राम नहीं देता है, लेकिन इंस्टाग्राम के द्वारा बहुत ज़्यादा कमाई होता है, जो कि आपको मैं बताऊंगा पर्सनली किसी एक वीडियो में, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करिए, देखिए गाइज आपको ट्रांसपेरेंट पे आने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए मैं किस पे क्लिक किया हूं। बहुत सारा ऑप्शन आया तो मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपली नीचे अभी दो ऑप्शन आएगा, आपको नीचे आना है बैकग्राउंड पे, उसके बाद आपको रिप्लेस पे जाना है, और उस पे जाने के बाद आपको मैं दे दूंगा एक ठो बैकग्राउंड, उस वाले बैकग्राउंड को आपको लेना है। तो देखिए मैं इधर चलता हूँ, और आप लोग के लिए बहुत स्पेशल स्पेशल हर एक पीएनजी वगैरह में आप लोग समझ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ आपके लिए रखता हूँ। तो आप लोग को इधर चलते जाना है, चलते जाना है, और देखिए मैं आप लोग के लिए स्पेशल बैकग्राउंड रखा हूँ ताकि आप लोग अपना फोटो मस्त बना पाएँ। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड कहाँ गया, देखिए अभी लेता हूँ मेरा बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड। तो इस वाले बैकग्राउंड को आपको ले लेना है। देखिए वन क्लिक कितना हार्ड लग चुका है। तो इतना काम होने के बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट कहाँ पे ले चलना, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। और गाइस सारा स्टेप उसी में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ पिक्स आर्ट में, ये रहा पिक्स आर्ट। देखिए एक और बात गाइस, मेरा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सारा कुछ सच्चाई बताता हूँ। तो देखिए इसमें आने के बाद आपको सिंपली टूल्स पे आकर और आपको रिमूव पे जाकर क्या करना है, इस पर मार्क लगाना है। देखिए ऐसे मार्क लगाएंगे और रिमूव पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा ना, आपका जो फोटो रूम का आइकन है वो गायब हो जाएगा। ऐसे इसको हटा लीजिएगा। उसके बाद आपको मैं दूंगा एक टू टेक्स्ट पीएनजी, ठीक है। तो टेक्स्ट पीएनजी को आपको लगाना है, फिर आपको अभी एचडीआर वगैरह हर एक चीज़ आपको अप्लाई करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इस वाले पीएनजी को आपको ले लेना है। इसको लेने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर देखिए मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और इसको भी लेता हूँ, दोनों पीएनजी को लेता हूँ। और आपको क्या करना है, सिंपली देखिए सबसे पहले इसको लेना है, और इसको आप लोग को यहाँ से ब्लेंड करके स्किन करके इसको आप लोग को देखिए यहाँ पर ऐसे बैठा देना है। देखिए मैं कैसे बैठा रहा हूँ, ऐसे आप लोग बैठा दीजिएगा। उसके बाद इस वाले पीएनजी को लेकर भी आप लोग इसको भी इतना बैठा दीजिएगा। देखिए इतना काम के बाद आपको एक चीज़ करना है, कौन सा चीज़ करना वो बता रहा हूँ। आपको आना कहाँ पे, देखिए आपको आना है आर्टिक्स पे। उसके बाद आपको सॉरी इस पे नहीं जाना, आपको जाना है फेटल वन पे। तो आप लोग को भी फेटल वन पे आ जाना है, ठीक है। आप लोग कोई और क्लिक मत कर दीजिएगा, इस पे आने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा ना, आपका बैकग्राउंड और ज़्यादा हार्ड हो जाए। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड हो चुका है। ऐसे ही आपको अप्लाई कर देना। उसके बाद देखिए मैं तनी से इसको सही करता हूँ, इसको आपको रिग स्टोर पर जाकर तनी से इस प्रकार से देखिए इसको सही कर देना। देखिए इस प्रकार से इसको अप्लाई कर देंगे, कितना हार्ड आपका बैकग्राउंड लग रहा है। उसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, आपको क्या करना है, शर्ट पे इसको अप्लाई करना है, ठीक। आप लोग चाहे तो अप्लाई करेगा या मत करेगा, मैं तो बोलूँगा आप लोग मत करेगा क्योंकि पहले वाला ही ठीक लग रहा है। इतना काम तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको इफेक्ट पे आना है, फिर आपको कलर पे जाना है, एंड आपको क्या करना है, कलराइज पे जाकर सिंपली आपको इनिवेट करके और आपको अपने टोपी को इस तरह देखिए कलर करना है। इससे क्या हो कि आप लोग अपना टोपी भी क्या कर पाएंगे, कलर कर पाएंगे। तो देखिए आपका भाई आप लोग को हर एक चीज़ बता रहे हैं, और कोई होता तो ये सब खुल के नहीं बताता, लेकिन आपका भाई आप लोग को हर एक चीज़ बताएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं एक एक चीज़ से क्या होता है कि फोटो आपका मस्त लगता है। अगर आप लोग एक चीज़ खराब कर देंगे फोटो में तो फोटो आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, जैसा मैं आप बता रहा हूँ आप लोग को ऐसा ही आपको हर एक चीज़ करना है फॉलो। देखिए मैं कैसे कैसे कलर कर रहा हूँ टोपी को, ऐसे आपको भी कलर करना है। कलर करने के बाद आपको सिंपली सही करना है, फिर आपको इस पर क्लिक करके इसको क्या करना, आप लोग को बैकग्राउंड से मैच करा देना है। देखिए बैकग्राउंड से मैच हो गया, ऊपर आप लोग को इसको भी इतना कर देना है। एंड गाइज इतना काम के बाद मैं क्या करता हूँ, तनिक सा इसको पीछे भी सही करना है। ये देखिए इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए साइज को छोटा करूँगा और इसको ऐसे अप्लाई कर दूंगा। देखिए गाइज ऐसे ही आपको इसको भी अप्लाई करना है। उसके बाद सही पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और करना है, आपको आर्टिक्स पे आकर एक बार और फेटल वन वाले ऑप्शन को आपको ले लेना है। और इस बार क्या करेंगे, हम इस वाले इफेक्ट को अपने कैप के ऊपर टोपी के ऊपर यूज करेंगे। सिंपली आपको इरेज करके देखिए ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है। देखिए गाइज देखिए आपका भाई कितना आप लोग को हर एक चीज़ बता रहा है, इतना खुल के आप लोग कोई नहीं बताता, लेकिन आपका भाई बता रहा है।
तो ऐसे आप लोग इसको भी अप्लाई कर दीजिएगा। एंड में क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, इतना काम के बाद इसको सही करता हूँ। देखिए आप लोग आराम से करिएगा, ठीक है, तभी फोटो आपका मस्त हो पाएगा। फिर इसको मैं सही करता हूँ, इस प्रकार देखिए ज़्यादा सही हो गया, मैं इसको तनी सारी एक्स्ट्रो कर लेता हूँ। देखिए आपको हर एक चीज़ आराम आराम से करना होता है, तभी फोटो आपका अच्छा बन पाएगा। तो देखिए इतना सारा काम होने के बाद मैं सही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, टैटू वगैरह लगाना है, तो टैटू का भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आ चुका हूँ ऐड फोटो पे, और आप लोग समझ सकते हैं गाइस जो एडिटिंग हम लोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसमें पावर लगता है, यानी कि मोबाइल का जो होता है बहुत जल्दी हैंग करता है, तो इसके लिए आपको फ़ोन भी अच्छा रखना होता है। फिर देखिए आपको इस वाले टैटू को अपने हाथ पर लगा लेना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से बहुत सारे टैटू आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोग टैटू लगाना चाहे वो टैटू आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं इस वाले टैटू को लेता हूँ और गर्दन पे इसको मैं लगाऊंगा, इसको करूंगा ऐसे, और इरेज पे जाकर आपको क्या करना है, जो आपको शर्ट पे इफेक्ट आया है इसको आप लोग को इरेज कर लेना। देखिए इस प्रकार से इसको आप लोग को ऐसे इरेज करना, देखिए कि ऐसे इरेज आप लोग कर लेना अच्छे से। फिर आप लोग क्या करेगा, या जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकला है इसको भी आप लोग इरेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, ओपेसिटी को कम करना है, इसको इतना लो करेंगे। फिर आप लोग क्या करना है, सिंपली इसको लो करके ओपेसिटी को, हार्डनेस को और साइज को ज़्यादा करके देखिए आप लोग को ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। देखिए इतना हार्ड आपका ये भी बन चुका है। देखिए इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, एक सबसे लास्ट स्टेप बचा है, जिस स्टेप में आपको अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए कौन सा स्टेप बचा है और इसमें क्या करना है आपको बता रहा हूँ। शर्ट को हमको क्या करना है, HDR अप्लाई करना है, उसके लिए आपको आ जाना है स्नैपसीड में, उसके बाद आपको सिलेक्टिव पे आकर और ऐसे आपको मार्क लाकर देखिए आप लोग कंटेस्ट को हाई करना है। देखिए फोटो आपको कितना हार्ड HDR हो रहा है, तो ऐसे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए कितना हार्ड है, देख सकते हैं गाइस, ऐसे ही सारा ट्रिक आप लोग को आजमाया जाता है। फिर आप लोग ऐसे टोपी को भी अच्छे से और कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप लोग जो फेस वगैरह है उसको भी और ज़्यादा वाइट कर सकते हैं। तो गाइस यार देखिए यहाँ से आप लोग रेड कर सकते हैं और यहाँ से वाइट कर सकते हैं। गाइस आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक होगा कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, तो आप लोग सिंपली कमेंट कर सकते हैं, उस पे जल्द ही वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ।